नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे सोनमा हरण उर्फ पथरी घर की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 15 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 16। सब खुशहाल अच्छा है, तुमको चक्कर में सब पगला पगला किए ने भागा गगर क्या बेटा? इंदल बहुत रो रही है ना, स्कूल के आंख से आंसू नाच तो न रानी का
ठीक है सोना की बात श्रीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह हार के लेके चल गई है। तू तो बोलती है नहीं आगे लिखा भाई आगे पति रखा के काठावादी आगे जानी सोना पाती ताली खाके दे दे Thank you.
भारी ज्ञान के बाद है कि देवा रुदल के मालूम कि भाभी सोना इस समय पथरी घर में पापी ज्वाला सिंह हर के आपको भाभी के लेके चल गए। जाइए लेकर आई है क्या है जनता भाई दल क्या पढ़कर के देखिए एक भिन्न पत्रिका लेकर आई है। इस पत्रिका में लिखा हुआ है कि हमारे देवर उदयचंद को मालूम ये पथरी करके राजा ज्वाला सिंह अच्छा छल से हमें पूजा करते हुए हरण कर लेकर चले आया है। जो कि मैंने कसम खाया है कि ज्वाला सिंह का एक पुत्री है अच्छा जिसका नाम स्वर्ग पंखनी है। मैंने अपने बेटा इंदल से शादी रचाने के लिए कसम खाई है। ये भाभी लिख रही है देवर उदयचंद को मालूम कि जितना जल्द हो सकता है फौज पलटन सजा कर हमें कैसे छुड़ा कर ले जाए और बेटा इंदल को ज्वाला सिंह को पुत्री के साथ शादी रचाए। भाई देवा अब करके देखिए कि रूप से हम लोग चल करके पहले मुलाकात करें जब तक कि जगह नाम नहीं देते हैं मैं देख नहीं लेता हूँ क्या हमारा सेना टिकाव करेगा। भी कहना सतवा लेकिन भाई देवचंद क्या जबकि भाभी को कई छुड़ाना होता तो बात नहीं है। अरे हम लोग देगा तलवार से कई छुड़ा लेते सही बात है। जबकि भाभी ने कसम खाई है तो बेटा इंदल को साथी रचाना है तो शादी विवाह लगातार लगनौती का होता है। एक बात है अरे राज महोदय में बेटा में सबसे बड़ा बेटा इंदल है ना उससे बड़ा तो कोई है नहीं कोई नहीं है। लेकिन भैया लगनौती का तो पथरी करके जाना ही चाहिए इसके लिए करना चाहिए। एक काम करिए कुरेल वाला बोलो सरदार को खबर दिया जाए हाँ और 700 डकैत का सरदार है कुरेल का बोलो सरदार खबर देंगे कर बुलाया जाए। क्या जो हम लोग का भगना है वो पौना डकैत है
भाई रुदाल और उसका बाप दादा चोर है, बताइए उसको बुलाइएगा, वो धन का लोभी आदमी है। भगना ना लगता है, लगता है काम करेगा और उससे पलवा करके और ठीक है बहादुर दरवाने बेटा, इस समय पे खाना घोर जंगल में चले जाओ। हाँ लो लो कौची कह लो खाना घोर जंगल में चले जाओ, जो कि हमारा भगना है। अच्छा, जिसका नाम बौना है जी, वो जंगल में डकैत का सरदार है। अच्छा, समझ गया ना, अगर वो जंगल में ते जाएगा, हाँ, अगर वो हमला कर देगा बहादुर, तो बताना है कि मैं राज महबेव का उदय चंद का द्वारपाल हूँ जी। अगर सरवर भरेगा बेटा जी, तो तुम्हारा सर वहीं पे रह जाएगा। हाँ, मोरा सर कम रंगदार है। क्या रंगदार है? हम वीर में खाली अंधेर लगा के मारने पे रहिए। क्या अंधेर लगा को मारता है जी? कल ही लगा को मारी कल ही मालिक है भाई रुदाल, एक द्वारपाल है जो बौना को बुलाने के लिए गया है। हम लोग बैठ कर आशा जोड़ते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ बौना जादू के खोज में, कहाँ मिलता है? अच्छा, मैं चलूं। तेरा बा ए इधर आइए, मंत्रक दोन को मंत्रक दीजिए। क्या आप ही के नाम बौना जादू है जी? हाँ, मैं हूँ। पक्का चोर कर लगा है तेरा भाई, देखे तो डर लगे। अच्छा सुनिए, आप जो मामा जी हुए राज मोहल्ले में, हाँ रुदा जी, आपको याद भी है इस समय? जल्दी चलिए। ठीक है चलिए। अच्छा भाई को खोल, जो जी कहिएगा वो जी खोल। चल Thank you.
खोस रहा भगने राम खोस रहा भगने क्या बात है मामा समाचार कहो सब ठीक है ना सब ठीक है अपना सुनाइए मैं तो सुना मैं जरूर जब तुमने मैं बुलवाया है तो किसलिए मैंने बुलाया है ओ मैं क्या करके सुना देता हूँ नमस्ते प्रणाम मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार आप लोग देख रहे थे सोनमा हरण उर्फ पथरी घर की लड़ाई तो आप लोगों ने अभी तक भाग 16 देखे तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 17 क्या बात है मामा समाचार कहो सब ठीक है ना सब ठीक है अपना सुनाइए मैं तो सुना मैं जरूर जब तुमने मैं बुलवाया है तो किसलिए मैंने बुलाया है ओ मैं क्या करके सुना देता हूँ बोलिए मामा जी तो इसलिए मैंने बुलाया हूँ कि राम पत्नी घर में राधा तारा सिंह का बेटे के नाम से वह पत्नी है अच्छा आओ वो रहती है संखन का ऊपर में और तुमने इसलिए मैंने बुलाया हूँ कि वो सुबह पंखनी पर पीरी चढ़ा देना है ठीक है मामा जी क्या तुमसे डर लगेगा मैं जाऊंगा मगर जितना पार लगेगा तो तुम बाप को ट्राई करो अगर नहीं पार लगता है तो फिर मेरे को तुमने जानते हो ना कि कदम आगे बढ़ जाता है तो कदम पीछे नहीं होगा ठीक है मैं जाऊंगा मगर जितना लूटूंगा जितना हमको हो जाएगा बताइए
कि ठीक है मैं वहां नलती का सामान चढ़ा दूंगा, लेकिन जितना लूट होगा सब इसको हो जाएगा। भाई राज आप तो कहे थे कि इसका बाप है क्या, क्या सब चोर है। जालो मालिक एकर दादा है ये पकित मोर हर तेरा भाई के कराय में देख ली मैं उसका भी आगे देख लेंगे। भागना पाऊना बोलिए मामा जी, इस समय तुम जाने के लिए तैयार है ना? हाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। जो लड़की का सामान है वो बना के दे दो। अरे बहादुर ये भागना है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बौना ये समाज जानता है किसके ऊपर चढ़ाना है, जो रानी स्वर्ण पत्नी है उसके ऊपर ये समाज चढ़ा देना है। अब तुम्हें वहाँ से वापस राज महल में आना है। ठीक है ठीक है ना? ठीक है इसमें जाओ। भाई रुदाल क्या बात है भाई के बाप, ये बौना तो चला गया। सच बात है वो चला गया है, तब तक एक तरफ हम लोग फौज पर तट सजा के रखते हैं। हाँ हम लोग तैयारी करके रखिए, और मैं जानता हूँ कि जब बौना सरदार को कदम आगे बढ़ जाए तो तेरे फिर चेहरे कभी पीछे नहीं हटेगा। सच बात ठीक है, चला जाए। चलिए इस बार फौज पर तट सजाते हैं। चला जाए अरे भोर भैले भाऊजी, अरे भिनसरवा भैले हे, अरे भोर भैले भाऊजी भिनसरवा भैले हे, अरे खोला ना के मोरिया Yeah.
समय चलो मामा जी कहे हैं टीका चढ़ाने के लिए चलो एक माल नहीं दूसरा माल सब महल लगता है कि यही है ठीक है चढ़ा दो भाई ठीक है अब चलो मेरा श्री चढ़ा करके पूरे सिंगार सुनो सिंगार बसो बरा चढ़ा करके अब मेरे चला गया तो मैं दरबार की एक बार पर परमल के लिए आगे भाई कहां रहा तोरा देखे तो मन में आ जा कैसे तो करे लगा कैसे नहीं आने लगा मियां अच्छा बात ना होलो अरे जाना हां हम महल में जुलू पूजा कर कौची वाला बात तेरा भाई ना कुछ जाना ना हम सुत्ता ला ले अच्छा अब पियरी चढ़ा के कौन ऐसा लड़का चल गेल ला सुतले में हो गेल ना हां सुतले में आओ कुछ कर रहा सुना बोला अभी समय मैं जा करके मैं अपना पिताजी से मैं जा करता हूँ सवाल छुपचे था वाला ठीक है दरवाजा इस समय मैं जा करता हूँ ठीक है जाइए जाता हूँ हाय राम नाम परमेश्वर सुमरि दीनानाथ भगवान बाबू भैया जी सुन लाए का ज्वाल सिंह के ज्ञान आ
बैठ के जाला सिंह राजा कुछ बात करने चलते हैं। दरबारी जी बताओ जी पूरे सिंह का हला गल कटबरिया या नहीं लगाया कटहरा या मालिक बताओ कि राजाओं के दरबार पर रहता है जी जरमाना बुद्धि सीखना चाहिए इसको। ओहो दया के बेटा बाबा वो तो बाबा धान कट रहे धान वाले खेत में गए ठीक है बेटा आपका तो उसको मैं मर दिया जी। राज कचहरी पर आने के क्या कारण है कौन से कारण है मालूम हां कई सन कुशलिया रहली रनिया जा पसोना मां के Thank you.
दरबारी माले ई बताओ रंग महल ताक सलिया कैसन है? अच्छी है माले, अच्छी है। हां ठीक, मैं बैठ के कचहरी पर पचास करता हूं। खुश रहो बेटी, बेटी। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे सोनमा हरण उर्फ पत्थरी घर की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 17 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 18। दरबारी माले ई बताओ रंग महल ताक सलिया कैसन है? अच्छी है माले, अच्छी है। हां ठीक, मैं बैठ के कचहरी पर पचास करता हूं। खुश रहो बेटी, बेटी। रात का कचहरी पति गाता आ गए सिर झुकाना लगा गदी। ये बताओ आपका कुशलिया कैसा है? सुनिए पिताजी का सुनाती हूं। बदल गुजर गए पिताजी, गुजर गए पिताजी परल हो गए चार। पिताजी कि मैं क्या बताऊं? बेटी चिंता नहीं कहा दरबारी प्राण तले ले भई बेटिया, कोई ये पिता बाके Thank you.
बेटी सुनने का पिताजी और ये बताइए काम जरा जाओ कहा है बस उसको मैं देखना चाहता हूँ चाहूँगा कोई चाहेगा तो बल्कि नहीं सुनिए पिताजी आए पिताजी सुनला हमारा बिलावा के बात क्या बेटी सुतला में रहली पिताजी आज रंगले भवनवा से पिताजी सुनला तारे नवा बिलावा आज सुतला में रहली पिताजी आज कौन पापी लगी चढ़ा सुना दे बेटी इस समय सुतल मैरा भवन में थे कौन ऐसा पापी आकर के और पियरी चढ़ा करके चला गया उसको मैं नाम नहीं जानता ठीक है बेटी तुम जाओ रंग भर में आप लेकिन पिताजी एक ठीक सवाल और कौन ऐसा सवाल है हाँ पातन लगैबा पिताजी मेरी लाल आजी ओजी ललका के पिताजी सुनला आज पातन लगैबा पिताजी आजी ओजी ललका के क्या बेटे आज मुसति में परनामा आज मुसती में परनामा सुवा पठन दे तई जीतिया पठन लगैबा Thank you.
पिताजी बेटी इसमें जब तक लड़का के अपने नहीं पता लगाइएगा मैं मेरे पता नहीं मिलेगा मैं नहीं जानूंगा तो मैं अपने से क्या पिताजी इसमें जाओ ठीक है पिताजी मैं जा रहा जाइए खून गरम काहे की किल्ली पर चढ़ाने के लिए आया है जगह में सो गया था हमारा बेबी नहीं था हो सका कबीरी में जाके देख क्या चिट्ठी लिखल है कि नहीं लिखल है क्या दरबारे इधर आवा सब कहां के है ये देख के बोल रहे हैं ये तेरा पर अरे हम पढ़लो मारी काम अरे शानदार कहीं का ये कह रहा भाई साहब राजमहलिया से लिखा हुआ है क्या राजमहलिया इस पत्रिका में लिखा है माले की बात कि राजा के मालूम कि मैं और उसको बच्ची से पाखनी से मैं सोमवार चाहूंगी राजमहलिया से नहीं देखा कि रानी सुनाता राजमहलिया से पत्री राली के बुलाए इसमें तुम्हारे मारे आज मोहब्बत शक्ति राजमहलिया वाला रुदल आ रहा
बौना डाकू ठीक है आए मालिक और इस समय बैठ के राज कचहरी सोच विचार मैं करता हूँ मालिक दरबारे मालिक बोलो ना कहे थे कि फरकावा ठीक ना और फिर लगा तवारे गले अरे हिया तू नहीं जानता दवाइया पानी दवाइया खाइता लू जैसे अरे चंदा ना सच्ची दरबारे वाले इस व्यायाम का चाहिए पर जाके मैं सोच चार मार करूंगा ठीक है मालिक जाइए बाकी देखूंगा सांस आती राज मुहावा वाला कितना वीर बलवान ले लिया है आए आए अरे तारवाले थारे लागा दासे उस पर पासी इस समय जो भगना बौना गया है हाँ अभी तक लौट कर नहीं आया अभी तक पता नहीं है ना जाने पत्थरीगढ़ में मारा गया क्या हो गया ये टिकट चढ़ा करके का अपना घर तो नहीं चला गया है हमें तो लग रहा है उसका बाप दादा भी चोर चोट्टा है हो सकता है कि धन संपत्ति लूट के जंगल में भाग गया होगा इसमें बैठ के हम लोग आशा जो आशा तो देख रही है चलो मामा जी के पास पेटना में सब चोरी कर ला सीख लिया तेरा भाई भगने राम बोलिए मामा जी सुन लो Ah!
भगने राम बोलिए मामा जी, जब तुम लोग दोनों भाई के हैं क्या था रात पथरीगढ़ में? हाँ तो क्या हुआ? मैं तो टिकट चढ़ा दिया हूँ मामा जी। तुमने टिकट चढ़ा दिया? हाँ मैं चढ़ा दिया हूँ। जिस समय चुका टिकट चढ़ाने के लिए तुमने गया था उस समय उस लड़की ने कहाँ थी? ओ महल में था। ओह ठीक है भाई देवा, क्या है इधर ये जौन काम से ये दोनों पौना सरदार तो क्या वो पूरा कर क्या गया है? अच्छा काम सफल हो गया ना? हाँ काम सफल हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए? अब तो हम लोग प्लान बनाना चाहिए कि कैसे वहां से हरण होकर के यहाँ से रानी आएगी। जोरी ये बोरा को बात पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं मैं विश्वास नहीं करता हूँ। सुन लीजिए जोरी, एक सवाल है। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे सोनवा हरण उर्फ पथरीगढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 18 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 19। जोरी ये बोरा को बात पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं मैं विश्वास नहीं करता हूँ। सुन लीजिए जोरी, एक सवाल है। इसके बाद पे हमें विश्वास नहीं है। हम लोग का विश्वास नहीं है। हमारा कहना है देवा सरदार कि जब तक अपने आंखों से मैं नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं है। किसी को बात पे विश्वास करना ठीक नहीं है। तो ये बताइए
सुलेमान कि हम लोग कौन ऐसे रूप में चले ताकि रात पत्थरी गढ़ के लोग ना पहचाने और हम लोग हर चीज देख करके चले। अरे इधर आओ इधर आओ, कुछ चोर है क्या ली है ई भाई तो पक्का चोटा लगा है। आई स्वागत कर रही है क्या जरूरी क्या क्या पूछ रहे हैं कि किस चीज का भेष धारण करके जाना है। इसमें हमें लग रहा है कि आप चूड़ीहारा का भेष बनाइए, ज्यादा सहसा चूड़ी बेचिए और चूड़ी के बहाने पथरी करने जाइए और उसी समय भाभी से मुलाकात कीजिए। अगर आप अपने नए से भाभी को देख लेते हैं, अगर आप देख लेंगे तो हमें भी विश्वास हो जाएगा। जोड़ी सही बात है, ऐसा करिए कि हम दोनों मिलकर के चिल्हारा रूप बनाइए। क्या हम भी जब तक दोनों दोस्त नहीं रहे हैं तो काम सफल नहीं होगा। कहां पर याद की जोत पड़ेगा तो मैं कहां से खोजूंगा। ठीक है जोड़ी, इसमें चलिए आप चिल्हारा का भेष बनाना है। अभी भी मैं राजभवन में आज दिन रहना है, समझ गया ना। जब तक मैंने अपना बेटा इंदल को पत्थरी करके राजा ज्वाला सिंह के पुत्री स्वर्णपानी से सारी दिन भाई रुदर रचा देता हूँ, सही बात है। तब तक तुम्हें नहीं जानना है, जानता है क्यों? क्योंकि इंदल से ते बड़ा है, हर बीत व्यवहार तुम्हें ही करना है, समझ गया ना। ठीक है चलो राजभवन में, चलो भाई चला जाए। रानी क्या अब यो तुम सोच रहा है क्या? अब इस समय हमारा संग में विवाह कर लीजिए रानी। बढ़िया से बात बात ये क्या? अरे सुनिए क्या Yeah.
राजा रानी ये बताइए कि टाइम पूरा हो गया पहले का पीते के दो बार कहां पड़ी है देख के सुरतिया रनिया तिलक में गधा के दो क्या आपका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा दर्शन एक बार लाने राजा क्या क्या बार बार क्या कहीं टाइम पूरा नहीं हुआ मैं बारह बरस दस सात बार बांटूंगी तेरा हमारा मैं आपसे शादी करूंगी क्या अभी नहीं पूरा हुआ है काफी करने गया काफी पहले देखा ये काफी ले कलामिया रलिया आज जल्दी देखा दा रलिया हो तेरे बलाय काफिया की तबावा Thank you.
रानी सोना क्या राजा तेरे पूरा हो गया है देख लीजिए दरबारी बताओ अभी बच्चा है मालिक अभी साल भर बच रहा है क्या साल भर ठीक है दरबारी जब डेट लिखा जाता है तो डेट पर पूरा होना चाहिए रानी सोना क्या डेट भाई बच रहा है और इसमें आज से डेट पूरा होगा तब आगे बढ़ेगा रानी इसमें जा रहा हूं जाइए Yeah.
नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे सोनमा हरण उर्फ पथरी गर की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 19 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 20। जो लागत कौन को बोला है केन तो करे बोन तो लायलो यार एमपीएम से तेनला ले टूरी ले टूरी करे ना ए ए Thank you.
कौची भी कह दिया ए भैया चूड़ी बेच के चूड़ी चूड़ी बेच हो ए ते हमरे वाले के पहना देगा काहे कोई के भी पहना सकते हैं चल अब तो चलिए अब अब तेरा देखे तो लगे हमार मौसी नियर लगे सुना ना अरे चूड़ी बेच के आ जाते ना बाबा चूड़ी हां चूड़ी एक कोना हाथ में आ अच्छा तो ठीक बोला के लाइयो ए भैया ए इधर आ बाबा क्या चूड़ी बेच हो हां हमरा समझ में के भैंस उस का खोला नहीं हम लोग चूड़ी बेचते चली आ रहा है हाँ दीजिए इंदर बाबू जी की तरफ से 10,000 पुरस्कार उसी मानी को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा आइए लाठिया छीन ए बैठा यही है वो भैया मलकी ने आप चूड़ी पहन लिया अच्छा ठीक चूड़ी है ना भाई भाई भैया चूड़ी देखिए आने कितने देर से हम लोग नगर में घूम रहे लेकिन एक भी चूड़ी नहीं बिका है ठीक है इस समय पे नहीं है हां लीजिए पेन ही हम पे गए कलर कलर का का चिड़िया है सब कह ले रहा बेटा हम को दिक्कत है ए Thank you.
तुरी पसंद आया ना? अच्छा सुनिए भाई, इधर आइए आप, बोलिए ये बताइए आपकी कौन है? ये मालकिनिया हो लो, बताइए ऐसे करके बैठ रही है, बताइए हम तेरा पाई के छिनने तू करे क्या काई अब पेटी पर सब पूछा दो माथा करके बताइए हम लोग में गलती है तू चूड़ी पहना वाला क्या मरे पर लाल चलिए हम ना पहले ना तेरा पर ना ठीक है आप पढ़ाएंगे किसान छोड़ दीजिए अदालत शांति हो जाइए बैठ जाइए अरे तेरा पर अरे तेरा पर अरे तेरा पर तू रब्बा जो शुक्ला कर था के ले गाते हैं ठकरा ठकरा के पहना बो है मास्टर जवाब करी हेलो हेलो कुछ मनोरंजन करके चूड़ी पहनाना होगा मनोरंजन भी होगा तो चूड़ी पहन लेंगे पता लगता है Thank you.
बताइए चूड़ी पहन शुरू है हम कर उसमें जरा बचा के पहन जाएगा बारीक इच्छा है समझनिया के पहना ही नहीं यार हजार दिन खराब कर हजार नहीं अगर हम पहन लेंगे तो पूर्व पर दादा है लोग हमको मार खाना है देखा है कितना दूसरा दूसरा सोले रख ले तू दूर में तो आप भी पहनाइए ये भाई तो घूमना नहीं लगा है रे मैं कुछ कर रहा हूं तू और पीछे जब पहनने का विचार है ना तो थोड़ा सुना जी दान पर दान पर हाथ लगा के बर्दाश्त करिए सुनिए आप इधर आइए क्या अच्छा सुनिए ये लोग चूड़ी पहन रहे हैं बताइए कितना सुंदर लग रहा है हाय छे साड़ी में भाई सुनिए ये लोग से भी आप सुंदर लगेंगे आपके लिए भी मैं लाया हूं आपके लिए भी लाया हूं पहले आप एक टोपी उतारिए और अपने आप को बंद कीजिए आपको बंद कीजिए तो नहीं भाई आप बंद तो कीजिए
ओकरा बचा के बदल है ओकरा कुछ होवे त हमर मही तो करे जाऊ लड जा है ओही हमर मेन सब पति है ए इधर दे रहे बाहे में तो चल ले गए तेरा पाए चलिए ले चूड़ी पर हमें क्या मारो के पर कल की मारो हमर ओकिया पर